हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी चैनल पे गार्डनिंग विद एल्बिका। फ्रेंड्स, मैं आज आपको मेरे गार्डन व्यू या कोई पौधों की अपडेट नहीं दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ मिट्टी यहाँ पे सुखाने के लिए रखा है। और ये जो मिट्टी मैंने पुराने गमलों में से निकाल के मैंने ये मिट्टी सुखा के रखा था। और कल रात हमारे यहाँ बिन मौसम बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। और ये मिट्टी देखे, ये मिट्टी में पूरा बारिश ने पानी फेर दिया है। और ये देखे, बहुत गीला हो गया है ये मिट्टी। ये मिट्टी मैंने पुराने गमलों में से निकाल के सुखा के और इसमें मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट मिला के इसको मैंने कट्टे में बांध के रखा था। और ये कट्टे में पूरा गीला हो गया है, ये मिट्टी थोड़ा सूख गया है। ये देखिए, अभी दोपहर के टाइम है, मैंने सुबह ही इसको सुखाने के लिए रखा था। और इसमें देखिए किचन वेस्ट भी है और गार्डन वेस्ट भी पूरा मिला के मैंने ऐसे सुखा के रखा था। और ताकि मैं कभी भी कोई भी पौधा लगा सकूँ, यही मैं मिट्टी इस्तेमाल करने वाली थी। और बारिश ने देखे पूरा गीला कर दिया है। और अभी मैं फिर से इसको सुखा के निकाल के रखूँगी। और ये मिट्टी थोड़ा सूख गया है इतना तरह से। और ये मिट्टी अभी भी गीला ही है, देखिए अभी भी ये ज़्यादा नहीं सूखा है। और ये पूरा मिट्टी मैं इकट्ठा करके बकेट में भर के रख दूँगी, ताकि पता नहीं अभी कभी भी बारिश हो सकता है। और ये देखिए, मिट्टी पूरा अच्छी तरह से सूख गई थी, अच्छी तरह सुखा के मैंने पूरा कंपोस्ट मिला के ऐसे रखा था। और ये पूरा गीला हो गया है। अब ये पूरा मैं फिर से सुखा के बकेट में भर के रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी बचा था। और ये मैं अभी थोड़ा सा छान के इस बॉटल में भर के रख दूँगी, ताकि ये मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। और ऊपर का जो है ये भी मैं अभी पौधों के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये जो बचा हुआ है ये भी निकालूँगी। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए, ये मैंने होल्स मैंने तैयार किया है। और ऐसे इसी में से मैं छान के रखूँगी। और ये देखिए, बॉटल में पूरा भर के रखूँगी मैं। तभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, तभी मैं ये कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकती हूँ इसीलिए। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पे बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।